ব্রেক বলা দিন, লং অন মিড অন और जगदीश जोशी जिन्होंने बहुत ही धुआंधार बैटिंग की थी क्रांतिवली बीच राइडर्स के सामने। और एक मिनट वेट करिएगा क्योंकि प्लेयर का अपडेट थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है। जिग्नेश जो नालो ऐड कर टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन हुआ है बिल्कुल डिसिप्लिन में और इसलिए हम 8 ओवर का मैच खेल पा रहे हैं। और ये फाइनल की पहली ओवर चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए, जो दूसरे लंबे गुरुदत्त स्टैंड में वहां से भी थोड़ी तालियां बजाएं और गेंद पे मार दिया है एक गेंद और गेंद बाउंड्री के बाहर से जबरदस्त शुरुआत। डिलीवरी जगदीश जोशी की एक चौके के बाद दूसरा विकेट और ये काफी बहुमूल्य विकेट है सार्थक के रूप में। बैट को लग के स्टंप को गया बॉल और ब्रिजेश भाई क्या कहना है आपका, क्रिकेट काफी अनिश्चितताओं का खेल है, क्या कहना है आपको? एकदम सटीक बॉलिंग, मिडल के ऊपर बॉल, शॉर्ट बॉल, राकेश राजगुरु तो बैट को थोड़ा हल्का सा किनारा लग के स्टंप को लगा। और ये मड 11 की जबरदस्त शुरुआत और ये बहुत बड़ा विकेट कह सकते हैं और आरएसएम को झटका और मड ने दो मैच खेलने के बाद तीसरा मैच जब भी खेला जाता है तो थोड़ा फिटनेस का यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फिटनेस कम पड़ता है। वो आपका बात बराबर है, अभी 50 साल वालों का फिटनेस और 25 वालों का थोड़ा को मिल सकते हैं हम, बट कार्तिक भाई काफी फिट है, आई एम श्योर ये फिटनेस का कोई मांजरा नहीं है। लेकिन जैसे विराट कोहली भी एक बार आउट हो सकते हैं वैसे कोई भी प्लेयर आउट हो सकता है, फाइनल का थोड़ा प्रेशर भी बन जाता है। लेकिन काफी डीप लाइनअप है आरएसएम के पास तो अभी ऐसे कह नहीं सकते हैं क्योंकि काफी डीप बैटिंग है। संजय माकानी, दर्शन होता, नील, उन्हीं काफी अच्छी लंबी लाइनअप है और ये बहुत ही फेमिलियर स्ट्रोक जहां पे बैट्समैन 3 स्टंप कवर कर देते हैं और लेग की तरफ खेलते हैं बॉल को, ये काफी टिपिकल शॉट है टेनिस क्रिकेट का। और जब विकेट सीमेंट की हो तो कंसिस्टेंट बाउंस होता है और ये देखना पड़ेगा कि कैसे सब कर रही है भाई, अरे दूसरा झटका और ये जबरदस्त शुरुआत मड 11 की। मुझे लग रहा है कि बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए थे, मुझे लग रहा है कि गेंद में थोड़ा गति परिवर्तन किया था जगदीश ने, जे जगदीश जोशी, और उसे पिक नहीं कर पाए और डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें किस तरफ खेलना है और उसी के बीच विकेट और नए बैट्समैन है जिया जिया मोरा जिया जिग्नेश जिया हेनमे नालो आए करो जिए जो जिग्नेश। और ये जिया हमारे काफी जाने माने बैट्समैन है, एक टाइम पे घाटकोपर से खेलते थे और काफी अच्छा उपयोगी फील्डर, बढ़िया विकेट कीपर और जबरदस्त बैट्समैन है।
और ये सेंसेशनल ओवर कहूंगा मैं पहला जो जगदीश जोशी डाल रहे हैं। और ये मैंने हमेशा देखा है, एक मड की टीम और एक वाशी की टीम, आप कभी भी उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सल की टीम काफी इंटेंसिटी से खेलते हैं और मैच को बिल्कुल पकड़ के रखते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त शुरुआत मड की, और ये तो पा कच्ची मैं वखाणे वगैरह करो वखाणे ली खिचड़ी दाड़े भर गए रीते ही अलो विवाह वाइड में बॉल। सो फार गुड ओवर अने पहलो वाइड। अने ओवर जो लास्ट बॉल सुंदर बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, बो विकेट चढ़ी पई है एटले जिया इनके रिस्पेक्ट दे देना अने रन गेड़ा ना। अने एवर आवा के एकड़ी अपडेट दे दिया के पांजा जो को बहुत स्टार प्लेयर वा आरएसएम जा विशाल भाई होनी जी फिंगर में थोड़ी किंजरी थई गई थी एवर ओनी के स्टिचेस दे देना है ने आने ठीक है बेटर है। अने कदाच पाचा अचिंता ग्राउंड पे जरा 2 मिनट उभी जा बॉलिंग ना वेज जा ऐड थई गयो कंटिन्यू कंटिन्यू। बॉलर रही पांजा जिग्नेश भाई कच्छ थी स्पेशल कच्छ बिदड़ा थी आया ही जिग्नेश भाई वेलकम डी जी पहली ओवर। अने राकेश भाई जो को बहुत सरस बैटिंग किया हुआ लास्ट सेमीफाइनल में अने मैच के फराई चढ़िया हुआ आरएसएम जे फेवर में। और ये कैच हो सकता है कैच कैच और ये तीसरा विकेट बहुत ही जबरदस्त कहूंगा कि ये मड 11 की शुरुआत है। जबरदस्त कैच कवर्स में हमारे जो उभरते हुए फील्डर है प्रिंस उन्होंने बिल्कुल ही सही वक्त पे जंप लगा के कैच पकड़ा। और जैसे मैं कहता हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और संजय संजय और अब सारा दारो मदार संजय माकानी पे जो हमारे राजगौर समाज के आन बॉन और शान है मुंबई समाज के। और आज देखना होगा कि उनका पूरा एक्सपीरियंस उन्हें यहाँ लगाना होगा इस फाइनल को निकालने के लिए, क्योंकि 6 या 4 ओवर की फाइनल नहीं है ये 8 ओवर की फाइनल है। और सबसे जरूरी होगा कि आप 8 ओवर तक मैच को खेलें और गेम को ले जाएं। और परेश 11 ने अपनी यंग साइड के साथ बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है और 3 विकेट निकाल लिए। सबसे स्ट्रांग मैं कहूंगा कि शुरुआत है ये परेश 11 की। और अगली गेम और संजय का और ये मिस फील्डिंग और 4 रनों की। और आप इतनी अच्छी बॉलिंग के साथ इस तरह की फील्डिंग करना बहुत मीनिंग बॉलर को थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है। और ये सुंदर शॉट मिड विकेट की तरफ हिट कर दिया था और गेंद निकल गई सीमारेखा के बाहर। और ये बढ़िया गेंद जिग्नेश जिसके लिए जाने जाते हैं गति और लेंथ और डायरेक्शन लाइन और लेंथ दोनों बहुत ही बढ़िया। ऑफ स्टंप के बाहर संजय को बॉल डॉट कराना बहुत मुश्किल काम है। अरे वो कैप्टन को डिसाइड किया ना इसलिए किला लिया। कैप्टन कैप्टन का एग्रीमेंट हो गया तो किला नहीं होता मैं छोड़ रही टेंशन मत ले ऐसा सब होते रहेगा तो ना नहीं लग।
और ये चार रन वाइड में, पांच रन चार प्लस वन, लेकिन वाइड डालो फोर भी डालो, ये देख फोर डालो वाइड, पहला वाइड डाल, कौन है भाई फलक देख दे रहा हूँ, वाइड प्लस फोर, वाइड प्लस फोर, हाँ प्लस फोर आया कोई पैजो बैठो आज मालूम है तो देख दे, इधर बैठ इधर बैठ, आगे आगे नहीं नहीं है ना बैठना साथ में हो जाएगा, आगे आगे वाइड, और ये सुंदर गेंद और बहुत ही नपीतुली बॉलिंग, हालांकि दो चौके चले गए एक वाइड में और एक थोड़ी सी मिसफील्डिंग के लिए, वरना ये ओवर काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। और बॉलिंग के लिए आए नितिन भाई, स्कोर 23 रन्स फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड ऑफ 2 ओवर्स, एवरेज काफी ओवर ओवर का भी ना एवरेज जितना आया स्कोर मैं खत्म ना हो के वाइड में गया खाली बैट के लगे तो रन दिए दाईड़ा टेडी पिच है भाभी आते तो क्या थोड़ा सा लिबर्टी तुमको देना ही पड़े, और ये कैच हो सकता है देखना मिसफील्डिंग, और ये चार रन तो उससे इतने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इम्बैलेंस नहीं होने वाले, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो देखने आया उसको भी तो मजा आ गया, थोड़ा मैच तो टफ हो गए, नहीं तो तुम लोग पॉइंट साइड भी जीत जाएगा, पहले ही बोल पे चौका गया ना, और गांव वाले के कोई नहीं क्या पॉसिबल है, तो हम लोग किला ही रहना तुमको सर आपको वो बिठा रहे ना, आपने सबसे बड़ा तो प्लान बता रहा हूं मैं, तो एक ही रहने का ध्यान रहे, लीडर नहीं हो सकता, लीडर नहीं हो सकता है, बाप बाप अपने उसको बुला लिया, फिर आपको ऑर्गेनाइज पे बोल रहे हैं अभी खिलाओ अभी खिलाओ, वो तो गलत ही है, गलत ही है, बोला मेरे को नितिन भाई ने इसको वैसा इधर तो खेलू, और सुंदर शॉट स्क्वायर कट कर दिया है, चार रन हो सकता है, देखना है कि रोक पाते हैं कि नहीं, और ये चार रन, और नितिन भाई अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनल है इस टूर्नामेंट की, और इसमें देखना होगा कि नितिन भाई क्या कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं अपनी टीम के लिए, और ये फुल टॉस गेंद जिसकी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं थी, और ये नो बॉल में रन यानी 7 रन मिलेंगे, और संजय जैसे प्लेयर को अगर आप फुल टॉस बॉल देंगे तो वो सीधा सीमा रेखा के बाहर ही जाएगा, और ये फ्री हिट है, एक मिनट, हाँ फ्री हिट नहीं है, नो नहीं था, अच्छा नो का डिसीजन कैंसिल हुआ है, एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक मिनट एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, उसको कुछ एडिट करना पड़ेगा अभी, लिख के रख दो एक मिनट कंटिन्यू बोल दिया था, फिर क्या हुआ मालूम नहीं, पता नहीं, और ये देख रहा है कि कैच हो पाता है कि नहीं, और ये लग रहा है कि फाइनल का ट्रॉफी भी छूट गया है हाथ से,
संजय जैसे प्लेयर का कैच छूटना बहुत ही कॉमनस होता है, और ये हुआ था आई थिंक 97 के ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में, जब तक मुझे याद आ रहा है 92 का वर्ल्ड कप था शायद, 2001 का था, और ये उठा दिया है। ये भी कैच हो सकता है, देखना है कि कैच होता है कि नहीं, और ये प्रहलाद के बिल्कुल ही सेफ हाथों में, और बहुत ही सुंदर कैच, और एक बार और अपना तजुर्बा पूरी तरह से यूज करके नितिन भाई ने एक अच्छे खिलाड़ी का विकेट ले लिया है। और मुझे किस्सा याद आ रहा है जब स्कोर बढ़ता हुआ रतन गया ना, दर्शन नहीं गया है, बैटिंग को गया, बैटिंग को दर्शन नहीं गया, अब सिग्नेश आउट हुआ, दर्शन गया था बैटिंग के लिए। स्कोर कितना हुआ, स्कोर और परेश 11 जिन्होंने बहुत ही सुंदर शुरुआत की थी बॉलिंग में, और उसके बाद संजय ने आके थोड़ा गेम घुमा दिया था, और यहाँ पे संजय को एक जीवनदान मिल चुका है, और बॉलर को बॉलर नेम जिग्नेश, जिग्नेश तो जिग्नेश अपनी दूसरी ओवर लेके आ रहे हैं, स्ट्राइक पे संजय माकानी है, संजय माकानी स्ट्राइक पर है, और जिग्नेश दर्शन है नॉन स्ट्राइक कर एंड पे, चार ओवर खत्म हो गई है, तीन ओवर है, और चार विकेट है, और चौथी ओवर की पहली गेंद, और ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर में बॉल ऑफ स्टंप से बाहर काफी बार, और ये वाइड, और बहुत ही सुंदर फाइनल यहाँ पे सूरज ढलता हुआ, और संजय तैयार, और ये ऑफ स्टंप में फुल टॉस गेंद, एक रन मिल पाया, बहुत ही अच्छी तरह से संजय ने खेल दिया था इसे ऑफ साइड में, एक ही रन मिल पाया, और मुझे 2001 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है जब स्टीव वॉक का कैच छोड़ दिया था हर्षल गिब्स ने, और ये सुंदर बॉल, और ये जबरदस्त प्लेयर इसी के साथ आउट, और एक सफलता, और मड की टीम ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है आज, और एक और क्रूशियल विकेट, और यहाँ पे रन रेट काफी अच्छी है, लेकिन विकेट काफी चली गई है अभी बेसिकी के लिए, राजकोट स्टार मुंबई के लिए, और नील जा रहे हैं नए बैट्समैन, काफी प्रभावशाली बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग करते हैं, और 17 साल के हैं सिर्फ, चार्जिंग पूरी तिला हुई है, एडा कोई चार्जर जो ऑप्शन आए करो, उधर है चार्जर, चार्जर मेरी गाड़ी में भी पड़ा है अगर चाहिए तो लगे, हाँ नहीं तो दूसरे फोन से स्कोरिंग कर सकते हैं। स्ट्राइक पे नील आया अभी, और जिग्नेश काफी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, वो हमारे यूनिवर्सल राजगोर में आइकॉन प्लेयर थे, और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और ये फुल टॉस गेंद, एक रन जरूर मिलेगा, और एक रन से संतुष्ट, अच्छी फील्डिंग वहां पे डीप में, बहुत ही सुंदर थ्रो सीधा स्टंप्स पर, और जिग्नेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर,
और ये फुल टॉस गेंद, संजय को आप फुल टॉस गेंद नहीं दे सकते हैं। और ये 6 रन, एक और छक्का, और संजय बिल्कुल ही गुंडेदारी वाली पारी खेल रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि वो मुंबई राजगोर समाज की शान है, तो फाइनल में वो बिल्कुल ही पूरी जिम्मेदारी लेके खेल रहे हैं। और और ये अगली गेंद, और ये संजय का दूसरा करारा प्रहार कवर्स की तरफ, बहुत अच्छी फील्डिंग प्रहलाद की, एक ही रन मिल पाएगा। और खजूर खाइए और तेजी से दौड़िए। और हमारी खजूर फॉरेन से आई है, मेहुल राजगोर अपने लेके आए थे खजूर सब बच्चों के लिए। और एक सुंदर गेंद, और ये आउट, और एक विकेट, और ये जिग्नेश अपना आइकॉन का अस्तित्व यहां निभाते हुए, और जबरदस्त बॉलिंग करी है जिग्नेश ने आज, और स्टंप्स को बिखेर दिया। और अब सारा दारो मदार हमारे जैकी भाई पे, कप्तान वो सीजन का बैट लेके टेनिस बॉल में खेलने जा रहे हैं। बैस, ये बैस मेरे पास एक सीजन का बैट है, तो आज कितनी दूर मारेंगे जैकी भाई वो देखना है। और बॉल चाहिए एक, मैं बॉल अभी देता हूं आपको। और बॉल लेने के लिए जरा एक जन जाइए भाई, थोड़ा श्री गुरुदत्त स्टैंड में से थोड़ा कष्ट लीजिए, और एक आध बॉल थोड़ा उधर ढूंढने की हेल्प करिए। गुरुदत्त स्टैंड में जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं, वो जो ब्लू जर्सी में बैठे हैं अपने भाई बंधु, थोड़ा एक बॉल स्कोर हुआ है अगर 49 मिल जाए तो थोड़ा सा चुस्ती दिखाइए, थोड़ा सा फुर्ती दिखाइए, और बॉल को पकड़ के लाइए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है ये मैच, जल्दी से करिए क्योंकि अभी सूरज दादा नीचे जा रहे हैं और अपने को 8 ओवर का पूरा मैच खेलना है। हाँ हाँ, वरना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो जीता होगा उसके बदले कोई ट्रॉफी ले जाएगा अंधेरे में, लूजिंग टीम तो पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ भाई गुरुदत्त स्टैंड, जरा थोड़ा सा कष्ट लो, उधर से बॉल लेके आओ प्लीज, जरा थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा हेल्प करो राजगोर समाज को, यंग लोगों की जरूरत है बॉल ढूंढने के लिए। और सबकी हवा निकल चुकी है एक्सेप्ट संजय माकनी, और ये देखना होगा कि हवा में कैच है, देखना है कि कैच हो पाता है कि नहीं। और बहुत कोशिश की थी इसे पकड़ने की, लेकिन विघ्नेश बहुत दूर थे कैच के और पकड़ नहीं पाए, और 2 रन ले लिए इस बीच। और ये बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप होगी, यहाँ जैकी को सपोर्ट करना होगा संजय को, ताकि संजय एक तरफ से इनिंग को बिल्ड कर सके, और क्योंकि अभी भी 4 ओवरों का खेल बाकी है। और ये जैसे मैंने कहा था, ये 8 ओवर की मैच है, तो 6 ओवर की मैच नहीं है, जिसमें आप तो एंड तक खेलना बहुत जरूरी है। और संजय का कवर ड्राइव, बहुत बढ़िया कवर ड्राइव, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हैं, थोड़ी सी हालांकि फंबल हुई वहां पे, और 2 रन इस बीच भाग गए बैट्समैन। And now the next ball coming up from VJ Jagdish Joshi to Rajesh Joshi to Sanjay Makani, and this should be wide. Yes, it is very far down the offside, and this is a lovely setup here. And fifth over in progress. So this is a great shot. This is going, and this is six. Six.
सिक्स है अभी उसका पांव उसके ऊपर था बाउंड्री पे. सिक्स है एम्पायर. सिक्स है भाई बोल रहा हूं मैं. और विशाल वेलकम बैक, होप यू आर डूइंग फाइन. और ये कैच हो सकता है, देखना है क्या होता है. और ये बॉल घूम गया है. दो रन जरूर ले लिए. और इस ओवर के बाद और तीन ओवरों का शेष है और संजय माकानी खड़े हैं. तो आई थिंक एक चोर पे पंज नहीं था ये ओवर. पंज भी है ना. पांचवी वाली थी छठी. हाँ वही मैं बोला पांचवा चल रहा है. और ये संजय ने हेलीकॉप्टर की तरह घुमाया है. अरे और प्रहलाद ने काफी कोशिश की इसको पकड़ने की लेकिन ये निकल गया. और ये धोनी वाला शॉट था. और जैसे कि मैं कहता हूं कि संजय माकानी हमारे मुंबई राजगुरु समाज के आन बान और शान है तो उस तरीके की गेम देखने को मिल रही है. और संजय माकानी ने कभी नाराज नहीं किया है दर्शकों को और खिलाड़ियों को. बहुत सुंदर छक्का और रन रेट पकड़ के रखी है. विकेट हालांकि बहुत गिर चुके हैं मगर रन रेट नीचे आने नहीं दिए. और ये इसे लेग साइड में खोल दिया है. वहां पर कोई भी नहीं है लेकिन एक रन ही मिल पाएगा. और पानी लेके जाइए बैट्समैन के लिए. रवि भाई आपका हम स्वागत करते हैं जरा कमेंट्री बॉक्स में. सॉरी आई थिंक आपने खाना नहीं खाया है तो प्लीज थोड़ा आराम से खाना खाइए. स्कोर कितने थे? स्कोर 69 रन एट द एंड ऑफ 5 ओवर्स. सो अगर यहां से 3 ओवर में अगर 30 रन भी बनते हैं तो स्कोर 100 रन के करीब पहुंच जाएगा. हाँ तो अगर संजय वहां खड़े रहेंगे तो काफी लंबा स्कोर बन सकता है अभी भी. इनकी मीनिंग आरएसएम के पर्सपेक्टिव से और मड के पर्सपेक्टिव से ये जरूरी है कि वो संजय की विकेट ले या तो संजय को स्ट्राइक से दूर रखें क्योंकि तो यही स्ट्रेटजी चल सकती है अभी. और ये 3 ओवर काफी क्रूशियल है. अगर समझो कि वो कितनी विकेट गई है खिड़ा विकेट पर. कितनी विकेट गई है? 6 विकेट गई है. तो अगर नेक्स्ट 2 या 3 विकेट अगर 3 ओवर में गिरा सकते हैं तो मड के लिए अच्छा रहेगा. और ये एक रन देखना है दूसरा रन हो पाता है कि नहीं. और दूसरा रन के लिए दौड़ गए. 3 ओवर बाकी है. ही 3 मीनिंग की 7वीं छठी ओवर आई. आई पहले बोलो बॉलर जो नालो प्रहलाद पहले बॉल पे 2 रन. और ये उठा दिया है संजय ने. देखना है कि ये 6 रन बहुत ही लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर. और ये जबरदस्त छक्का. बॉल हाँ तुम लोग कैच छोड़ दिया नहीं तो अभी विकेट हो ही जाता था. 78 रन्स 77 रन्स. और हमने स्कोरर जापान से बुलाए हैं तो इसमें कोई गलती होने का संभावना ही नहीं है.
जापान का जीरो डिफेक्ट सिस्टम है। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद प्रहलाद की चकमा दे दिया संजय को उन्होंने, और संजय ने बहुत ही जिम्मेदारी भरी पारी खेली है, और इसी पारी की आवश्यकता थी आरएसएम को। बिल्कुल डोल ड्रम्स में थे आरएसएम जब संजय बैटिंग करने आए, और ये चार रन की तरफ जाती हुई गेंद। संजय का स्कोर कितना हो गया? हाँ ये नहीं लेग बाय था, एम्पायर लेग बाय था कि बैट से लगा था? बैट से लगा था, होगा 50 हो गया होगा। और संजय का 50 रन पूरे 18 गेंदों में 55, जबरदस्त बैटिंग संजय की, और पैसे वसूल बैटिंग करी है संजय ने आज। और एक और छक्का, और जिस तरह से संजय स्टांस लेते हैं बॉलर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें बॉलिंग कहां पर करी जाए। और बॉल मैंने एक और दिया है जिग्नेश भाई, बॉलर बॉल एक ना हलायो है वो रखी गए नावटे ई संजय भाई बोरा पर्या भेजे था। आओ कमेंट्री करो, बोल बेटा बोल। और ये अगली गेंद, और ये सुंदर कवर्स में खेल दिया है एक रन जरूर। और ये मिस फील्डिंग, आज सुबह से जो मैचेस का परिणाम आया है वो फील्डिंग ने ही बदल दिया है, और आरएसएम को इस कमजोर फील्डिंग का काफी फायदा मिला है। पहली मैच से लेके आखिरी मैच तक काफी जीवन दान सभी को मिले हैं, तो आज कोई अच्छा मंत्र पढ़ के आए हैं आरएसएम, जिसका काफी बेनिफिट हो रहा है। 91 रन हो चुके हैं, 6 विकेट 6 ओवर, और अब सारा दारोमदार नितिन भाई पे, उनका पूरा अनुभव यूज करना पड़ेगा। लगता है 100 पार हो जाएगा। हाँ, जिस तरह से इनिशियली 3 विकेट आ गई थी 2 ओवरों में, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना लंबा स्कोर जाएगा, मगर संजय माकानी। और ये अगली गेंद नितिन भाई की, और जैकी ने काफी जैकी के बैट से पहला चौका आने की तैयारी में है, लेकिन 3 फील्डर दौड़ रहे और रोक लिया है इसे, नहीं तो जैकी के करियर का पहला चौका हो सकता था। और जैकी काफी सूझबूझ भरी बैटिंग कर रहे हैं, जैकी बहुत ही सूझबूझ भरी बैटिंग कर रहे हैं, वो संजय को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे रहे हैं ताकि संजय ज्यादा से ज्यादा गेंदों का सामना करे, और टीम की तो सेंचुरी बनाए खुद की भी बना सकते हैं। और ये अगली गेंद नितिन भाई को रोकना होगा संजय नाम के क्या बोलते हैं तूफान को, और देखिए अब नितिन भाई ने बड़ी बात चमत्कार काफी दिखाए हैं नितिन भाई ने, और ये सुंदर शॉट मिड विकेट की तरफ, एक ही रन मिल पाएगा, और जिग्नेश को बड़ा गुस्सा, और ये रन आउट होने का मौका हो सकता था, और जहां एक रन था वहां दो रन दिए। और हमारे पास एक यंग कमेंटेटर है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आलोक सिंह। आलोक सिंह हमारे पास है जो कमेंट्री के लिए आए मेरी, मुझे साथ देने के लिए। और ये नितिन भाई की अगली गेंद, और ये घुमा दिया है संजय ने, एक रन जरूर मिलेगा दूसरे रन के लिए, फिर भागेंगे अब दौड़ना है, देखना है कि जैकी पहुंचाते कि नहीं। और जैकी की चुस्ती और फुर्ती जो 15 सालों में थी 35 साल तक बरकरार, और 15 से 35 का सफर जैकी ने बड़ा ही दौड़ दौड़ के कंप्लीट किया है। और संजय माकानी
एक पहाड़ पे चला गया है बॉल, आज का डबल धारी है इसी के साथ आर एस एम के दोनों 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 104 सेंचुरी आज का दौलत आ रही है संजय भैया भारी है। ओ, 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 ओ। तेवीस गेंदों में 75 रन की रन रन आउट। अब मुझे लग रहा है कि जैकी शायद अगली मैच में संजय को ले कि ना ले, कैप्टन को रन आउट करा दिया है संजय ने। और जैकी को करा दिया रन आउट। और यहाँ पे जैसे मैं पहले से अनाउंस कर चुका हूँ तो कांदीवली बीच राइडर्स की तरफ से हसन ऑफर है, जिसको भी बैटिंग और बॉलिंग मिल नहीं रही है। सबको ओपन ऑफर है कांदीवली बीच राइडर्स के लिए की तरफ से। तो नहीं रुकना, जरा बॉल मत डालना नितिन भाई। और नितिन भाई ने नितिन भाई का कितना बॉल हुआ? कितना बॉल हुआ पंकज? एक मिनट नितिन भाई, एक मिनट। जैकी ने बहुत अच्छी सूझबूझ वाली पारी खेली, संजय को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी, वही करना चाहिए था उन्हें। हाँ, पारी खेली है जैकी ने, अच्छी पार्टनरशिप की संजय के साथ। और नितिन भाई अगली गेंद लेकर, और ये बहुत ही अच्छा सिंगल गेंद नितिन भाई की। और उनका तजुर्बा देखिए, उन्होंने ओवर दी विकेट से राउंड दी विकेट जाके बॉल डॉट कराया। अच्छा, अब संजय का व्यक्तिगत स्कोर हो गया है 76 और उन्हें 6 गेंदों में 24 रन करने हैं। मुझे लग रहा है कि राजगौर समाज की मुंबई में मुझे लग रहा है पहली सेंचुरी होगी अगर संजय अगर 6 गेंदों में 24 रन करते हैं तो। और यहाँ दर्शकों की एक ही मांग है कि वजो वजी और मड वर्सोवा अपनी रणनीति तय करता हुआ। और ऋषभ जो बहुत ही यंग बॉलर है, और ऋषभ जो हमारे काफी यंग बॉलर है, वो आ रहे हैं बॉल लेकर। और हेलो, मैं ऋषभ के हौसले की दाद देना चाहूंगा कि संजय जो बहुत ही कातिल फॉर्म में खेल रहे हैं, उनके सामने वो बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। संजय बिल्कुल सेट है, उन्हें गेंद फुटबॉल की तरह दिख रही है। और देखना होगा कि संजय इस ओवर में 24 रन बना पाते हैं या नहीं बना पाते। दर्शकों को यहाँ पे भव्य की बॉलिंग और संजय की बैटिंग इसका इंतजार था, कोई राइवलरी चल रही थी। इसी बीच ऋषभ का पहला बॉल, और ये घुमा दिया है संजय ने। 2 रन तो मुझे लग रहा है कि अटेम्प्ट करेंगे लेकिन नहीं, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग हुआ डीप में। इलेक्ट्रिक प्रो और इलेक्ट्रिक भव्या का नाम लेके उसके पास बॉल, क्या बात। और भव्या हमारे उभरते हुए राजगौर समाज के स्टार हैं, जिन्होंने काफी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करी है। सहुर आया और ऋषभ ने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था इस गेंद को, और इसे और somehow जैसे या तैसे बॉल जरूर रोक दिया। अभी ने हाथ से नहीं तो पैर से रोक लिया। संजय भाई को अभी इंतजार है कि संजय अपनी सेंचुरी पूरी कर पाते हैं कि नहीं, और ऋषभ अपनी पूरी कोशिश करें। काफी अच्छी गेंदबाजी की है ऋषभ ने आज थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हाँ, जल्दी जल्दी करिए, आप बहुत रन मत करिए। और ये कैच हो सकता है, देखना है कैच हो पाता है कि नहीं। और ये एक और कैच छूट गया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और आज जो कोई भी मंत्र पढ़ के आई है आरएसएम की टीम,
कितनी कैचे छूटते हुए मैंने देखा नहीं है इससे पहले की टूर्नामेंट में। संजय को मुझे लग रहा है दूसरी या तीसरी लाइफ मिली है ये टूर्नामेंट में, ये मैच में, टूर्नामेंट में छोड़िए, नहीं इधर भी छोड़ा ना प्रहलाद ने, वो थोड़ा डिफिकल्ट था बट। और अगली गेंद ऋषभ की, और ये गेंद सीधा डोंबिवली में भिवंडी से सीधा छह रन। और कितना बॉल बचा, कितना बॉल बचा, दो गेंदें शेष और संजय को सेंचुरी करने के लिए दो गेंदों में दो छक्के लगाने होंगे। और ऋषभ की अगली गेंद, और ये पहला छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ, और मैं कह रहा हूं कि ये बॉल एक दो फुट नहीं बल्कि बस 20 फुट दूर जा रहा है बाउंड्री से। जो दत्त गुरु स्टैंड में जो लोग बैठे हैं प्लीज थोड़ा बॉल पे ध्यान दीजिए और बॉल थोड़ा कलेक्ट करके वापस दीजिए, क्योंकि बॉल वरना हमारे पास कम पड़ जाएंगे। 7 रन चाहिए सेंचुरी के लिए, और ये 6 रन, और ये 99 पे नॉट आउट रहेंगे संजय, और 1 रन हम कमिटी की तरफ से ऐड कर रहे हैं संजय में। और जबरदस्त पारी, मैं कहता हूं कि ये हिस्ट्री की पहली पारी है संजय राजगढ़ समाज की, वन मैन आर्मी की तरह 99 रन्स, फिनोमिनल बैटिंग संजय माकानी। टोटल कितना था, 129 रन में 99 रन संजय के हैं। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग संजय की, और बहुत हम खुश नसीब है कि आज जिस तरह की धुआंधार इनिंग हमें देखने मिली यहाँ पे। वेल प्लेड संजय, गुड बॉलिंग, गुड ऋषभ भैया, गुड बॉलिंग। वाह वाह, हमारे मिश्रा जी, मनोज सिंह राजगोर समाज में तो फैन है, राजगोर समाज के बाहर भी अब संजय भाई के फैन बढ़ते जा रहे हैं। और हम स्वागत करते हैं रवि भाई का, हम मिस कर रहे थे रवि भाई आपको कमेंट्री में। रवि भाई वेलकम बैक, आप हमें सबसे पहले बताइए कि हमारे भाई, हमारे विशाल की तबीयत कैसी है। विशाल को तो अब आपके सामने ही है, थोड़ा सा उंगली में इंजरी आई और थोड़ा डिसलोकेट हो गया था वहां की हड्डी थोड़ी सी, और दो डॉक्टर लग गए उसके लिए, एक डॉक्टर से दो डॉक्टर लग गए, जाके विशाल हमारे इतने कड़क विशाल है कि डॉक्टर भी एक दो लग गए। यहाँ पे ऐसे समाचार हुआ कि आप भी खुश हो गए कि पता नहीं कि संजय वन साइड खेल गया। संजय बिल्कुल वन साइड खेल गया, पर जैसे मैंने कहा है कि जैकी की नजर हर अच्छे प्लेयर पे होती है। मैं मेरी अभी नवीन भाई उनसे बात हो रही थी कि जैकी के टीम में संजय का आना जैसे कष्ट से बंद हनुमान होते है आज बार बार, तो आज क्या होता। बिल्कुल रवि भाई, आप देखिए 129 का टोटल स्कोर है जिसमें 99 रन संजय ने करे हैं, अब आप क्या कहोगे, क्या वन साइड है। बाकी अंपायर में नीलेश दिख रहा है मुझे, नीलेश और जिग्नेश से क्या बात है, जहाँ आपने न्यूट्रल अंपायर बुलाए। नहीं, बहुत ही स्पेशल अंपायर है, इनका डिसीजन तो भारी डिसीजन रहेगा, अच्छी बात है। और देखते हैं कि नितिन भाई की टीम मजबूत क्या कर रही है कि कहां तक इस स्कोर को देखती है, क्योंकि समय नहीं है, हमें वापस घर जाना है। नितिन भाई डिसाइन दो जिसने तो शादी की, मेरी सासू भी पूछ रही है, जल्दी चालू करो कैश में नितिन भाई फटाफट। सब लोग ने उसको बोला कि भाई किला डाल, बोला चीला डाल।
नहीं उसको सब लोग ने बोला तो उसने भी बोला कि खेल रहा बहुत जी ना जब नहीं बोल रहे क्या वो जो मैंने मना कर दिया नहीं मत बोलो जैसे फील्डर गिरा मैंने मना किया अब मैं वहां जाने के बाद मान लिया तो पूरा बॉलिंग बैटिंग दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्या होता है एक अब हम किसी से बात कर मुझे गाल सुन तू आने जीता ना चीने ना उनके तीर्थ यात्रा थे मैंने जो चलाई
मड 11 को, परेश 11 को, किला। और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया आयोजन किया है रवि भाई, रवि भाई, जैकी, प्रियन भाई, आपका खास शुक्रिया, आप इतनी सारी बार वहां पे से बॉल लेके आ रहे हैं, प्रियन भाई थैंक यू, प्रियन भाई आपका प्रेजेंस हमें हमेशा फील होता है। आप प्रियन, प्रियन चैलेंज क्रिकेट नहीं है, बीड़ी वे, कुलदा मियां वे, कुलदा समूह नगर में, सगाई वे, मुंडन वे, प्रियन हमेशा रेडी, ये इनका फैंसी भी खोली होता है, ये समाज सेवक, समाज सुधारक लगा जी, प्रियन के नाम फिर भी आगे है, मैंने पानी राज्य समाज में की पर गए ना, उसकी जगह का वो फोन नंबर से वहीं पर होगी बेटा, रिस्पॉन्स करे, बट ये यहाँ पर फिर की पैसा की नहीं, यहाँ पर जनता ने जो बीज बकरी है निकाल दिया उन्होंने, जैकी का वजन 50 ग्राम थोड़ा ज्यादा पड़ा वरना बॉल रोक लेते। ओम नमः शिवाय। और ये पहला चौका, नौ रन पर एक विकेट, जगदीश आई थिंक। और ये अगली गेंद, और ये सुंदर शॉट, देखना है आउट हो पाते हैं या चार रन की तरफ जाती है, और सुंदर स्पीड फील्डिंग यहाँ पे कार्तिक की, जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पे, और मैं ये कहूंगा कि आरएसएम ने फील्डिंग बहुत अच्छी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और उसी के कारण वही डिफरेंस है आरएसएम और दूसरी टीमों के बीच में। और ये जबरदस्त शॉट, देख रहे हैं आउट होते हैं या आउट, और ये सीधा कैच कार्तिक के हाथों में, और कार्तिक बहुत ही मंजे हुए फील्डर हैं, वो इतना जल्दी कोई कैच छोड़ते नहीं है। और बहुत ही बढ़िया आयोजन यहाँ पे, और जो अपनी मेन आयोजक कमिटी है, रवि, जैकी, संजय माकानी और हमारे सुपरस्टार राजू, जबरदस्त यहाँ पर माहौल, और आज सबको पेट भर के क्रिकेट भी खेलने मिला है, 8-8 ओवर की मैच हमने ऑलमोस्ट कराई है। समीर, इसमें भावेश नाकर वडाला, अमित व्यास और आप समीर, आप खुद और मनीष, और इसके साथ ब्रिजेश भाई है अपने साथ में, और जैकी तो है ही है, और हम सब भी। समीर क्या होता है क्रिकेट के लिए, अब हमारी उम्र हो गई अब खिलाने की, अब खेलने की उम्र तो लगभग नहीं, हमारी उम्र तो खेलने की खत्म नहीं होगी है, लेकिन लगभग अभी खेलेंगे, अभी अभी ऐसे कगार पे पहुंची है कि अभी ऑलमोस्ट एंड वाला है बॉल है, साल दो साल तक हम खेल सकते हैं या जो भी है, तो हमें यंगस्टर के लिए, हमें अपनी, हमने जो टीम बनाई है वो इसलिए कि हम क्रिकेट खेले खिलाए, जैसे अभी आज हमने देखा जो छोटा बच्चे ने आज जो बॉलिंग की, तो अंश जो अभी मेरे सामने ही दिख रहा है, इस तरह से बच्चे, नो आर्ग्यूमेंट विद द एम्पायर प्लीज, एम्पायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, प्लीज डोंट आर्ग्यू विद एम्पायर, द एम्पायर है चार्टर प्लेन से आए हुए, आर्ग्यूमेंट ना स्पेशल, इवन द विनर टीम बैटिंग वाली घोषित थी, चौधरी के असली नाम तो होने के असली विनर ना दी वो एडल आया, तो लाइट आया था, ये तो सवाल था आगे लाइट चालू होने लगा, गूगल का पैसा। और करो थियो करो और फ्री हिट है अंपायर, अंपायर फ्री हिट, अंपायर कुछ सोच नहीं, कुछ बता रहे कि क्या हुआ है, एम्पायर फ्री हिट है कि नहीं है, अच्छा नो बॉल है, फ्री हिट है, नो बॉल है, नहीं फ्री हिट इन द, अगर नो है तो फ्री हिट भी है, चलो फ्री हिट है, हमने
लॉक जो बाकी जो है वो इंटरनल लेवल के ही है, स्लोप्स है तो फ्रीज है, तो देखना फ्रीज में क्या करते हैं। और ये फ्रीज वेस्ट जाती हुई, देखिए फ्रीज भी बहुत मेन होती है, अगर आप बुलाते हैं कि चौके छक्के में तो ठीक है, नहीं तो बहुत तकलीफ देती है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो हमें देखने वाले को कि यार ये क्या किया है, ये फ्रीज में कुछ मार पाएगा तो रेगुलर बॉल पे क्या करेगा ये, तो ये फ्रीज एक तरह लांछन लगा देती है बैट्समैन पे, फ्रीज नहीं मार पाए तो फ्रीज नहीं पा रहे तू स्कोर 11 रन 2 विकेट। यहाँ पे यहाँ जितने प्रेक्षक बैठे हैं कि जैकी आज हैट्रिक ले और कि जैकी बॉलिंग पे आए हैट्रिक ले और हैट्रिक पे आज जिस तरह से कुछ न कुछ तो लगेगा, अगर हैट्रिक अभी तक किसी ने लिए नहीं है सुबह से लेकर तो अब थोड़ा बहुत ऐसा लगा जाएगी। और ये स्टीयर कर दिया है शॉट लॉन्ग थर्ड मैन पे जाती हुई गई, 4 रन पे नहीं गई वहां पर, फिर भी 2 रन और सिर्फ 2 रन मिलेंगे। लेग बाय एम्पायर का इशारा है, लेग बाय पंकज हमेशा समीर भाई, पंकज का भी रोल पता नहीं चलता है, एकदम सुम सम सुम कॉमेडी है वो भी, हाँ काम कर देता है। 4 रन कवर्स की तरफ, पंकज का रोल समझ में आया यूनिटी अपने क्रिकेट में कि ऐसा लगा ही नहीं कि पंकज ये सब चीज कर सकता है, और पंकज हर हर महादेव बोल के शंभू क्या बात है, लगा पड़ा है। पंकज को मैंने हमेशा से देखा है कि वो किसी को भी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नहीं नहीं और फिर आपके करोड़ की जो आपका लेन देन है मैंने सुना है कि पंकज के हाथ में, पंकज के हाथ में वो सब संभाल रहा है सारे फ्लैट और बिल्डिंग का लेकर जोड़ा पंकज के हाथों में, तो मैं अभी अभी मुझे से लग रहा है संभाल की नजर में पंकज क्या है। हाँ पंकज करोड़ा का ट्रांजेक्शन ऐसे सदर से हम नहीं खिला रहे थे इस प्लेयर को, हमें पता है प्लेयर क्या कर सकता है, बिल्कुल सुबह हमें खेलना है नहीं खिलाना नहीं खिलाना पता नहीं, नितिन भाई ने क्यों खिलाने के लिए सुबह से पड़े, मैं मेरा एंट्री पे डबल ले लो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लो लेकिन इसको खिलाओ, तो कोई बात नहीं हमने उनको एक्सेप्ट किया कि 5,000 रुपीज नितिन भाई बोले कि मेरे को लेकिन खिलाओ प्राइस भी लेंगे सेकंड जो अगर मैं हार भी जाओ तो भी लेंगे तो लेकिन मुझसे ठीक है, पता नहीं क्या क्या है गांव वाले से वही समझ नहीं आ रही यार कि वो मैं सोचे नहीं कर नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, तीन से पहला क्या मन मुझो कच में आए मन भले हेडाए, अरे भाई ये बिदड़ा वाला प्लेयर है बिदड़ा तो अभी कितना बिगड़ेगा वो समझ में नहीं आ रहा है जैकी को, लेकिन बिगड़ा खुश लोग बिगड़ेगा यहाँ बिगड़ेगा, मैं कहूंगा कि इनका भी टीम स्पिरिट अच्छा है कि जैकी और पूरी आरएसएम टीम ने अलाउ किया खेलने के लिए, क्योंकि वरना आज सबके पास थोड़े थोड़े प्लेयर कम थे। जी 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 तो ये वरना क्या हो रहा था कि वो कल से सोच के आया कि मैं खेलूंगा, हमने तो यहाँ की नहीं खिलाएंगे, हमने सोच किया कि भाई मैं कैसे नहीं खेलूंगा खेलूंगा ही, पता नहीं खेल लिया, मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरा बैटिंग आएगा। हाँ आप भी देखिए हमने पहले से कहा कि कच का कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा, मुंबई के सारे प्लेयर अपने परफॉर्म करेंगे, कच का प्लेयर एक प्लेयर खेल लेता है थोड़ा अपना श्रेय ले जाता है। बिल्कुल कोई चाय का बंदोबस्त कराओ यार रवि भाई। जी 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 पॉसिबल चाय वाले का फोन, चाय वाले को फोन करना चाय के लिए, क्या चाय चाय चाय, अरे भाई चाय पीला अभी छाछ का टाइम चला गया, ऐसा बोल रहा है छाछ बेच देंगे अपन, अरे छाछ बेच देंगे अपन बेच देंगे कमिटी को उतना पैसा वापिस आ जाएगा। आया था उसका नंबर है तो बोलो ना, अरे यार अरे राजू वो लास्ट टाइम आप लिए थे ना चाय इधर से ही लिए थे ना, उसको पैसा दिया था अपन जाते जाते, वो किटली लेके आया था, उसका किसके पास है नंबर राजू
अरे गितली किसको बोल दिया उसको फोन करना, ये इसका नंबर था ना चाय वाले का। अरे भाई तू चाय के टाइम पे चाय पीला यार, नींद आ रही है। सर सर भारी हो गए। अब यहाँ पर जैकी के नाम का तो भाई जैकी डाले बॉलिंग तो कुछ हो, अभी यहाँ पे जैकी नहीं आ रहे बॉलिंग मार्क पर। ओहो क्या शॉट खेला है, और ये चार रन जाएगा, गया 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 नहीं गया, क्या बात है, क्या फील्डिंग है वहां विकेट की। और एक पड़ाव पार कर चुके हैं। और ये एक पड़ाव पार कर चुकी है परेश इलेवन, टेक्निकली परेश इलेवन को हम विनर घोषित करते हैं क्योंकि उन्होंने 30 रन कर लिए जो आरएसएम की पूरी टीम ने मिला के किए थे। संजय संजय आप ऑप्शन के बाहर आओगे और वाइड मांगोगे अंपायर से कैसे चलेगा, नियम अब बदल चुका है। अगर आप ऑप्शन के बाहर आने के बाद अगर आप सोचेंगे वाइड अंपायर देगा, अब वो होने वाला नहीं है। फिर एक बार और सामने खेलते हुए एक रन से संतोष, संजय के हाथों में गेंद और ये बॉलिंग मार्क पर फिर एक बार। राकेश फिर एक बार, ओ कौन से शॉट खेलने गए जगदीश को नहीं पता, जगदीश सोच रहा है कि जो भी मिले जैसा भी रन आ जाए। राजेश सॉरी क्या पता नहीं, मजा नहीं आया रहा तो कुछ लगता है कि बोलने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो कुछ मतलब नहीं है। और हमारे यहाँ बैठे चंदा सिंह, अरे सॉरी क्या नाम, आलोक सिंह, आलोक सिंह मेरे भी दोस्त है एक मनोज सिंह जिनका बिजनेस है चना सिंह का, तो जो चना सिंह का बिजनेस करता है वही सिंह, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ओके ठीक है अगली गेम, और जैकी आ गया बॉलिंग मार्क पर, अरे लेकिन अंपायर ने यहाँ थोड़ा प्रेशर है या नहीं पता नहीं, अंपायर ने डिसीजन नॉट आउट, जी नॉट आउट पहल का होना चाहिए, हर गेंद पे चौका छक्का लगना चाहिए। यहाँ पर अगर छक्का लगाते हैं ने कहा कि मैं 5 से 20 दूंगा अगर भव्य छक्का लगा दे, नितिन भाई ने कहा कि अगर भव्य 2 गेंदों में 2 छक्का लगा दे तो 501 रुपया इनाम दिया जाएगा भव्य को, और 3 सिक्स लगाएंगे के लिए दाती हुई टीम का ये बल्लेबाज, अब टॉप दो बाकी है भाई जिग्नेश, 500 रुपए निकालो इधर, बोले तुम दे दो हम ये देखेंगे वो बाद में क्या करना है। पेटीएम कर दो, और जैकी 250 रुपया अगर आपको चाहिए तो 2 गेंद दे दीजिए। और देखना है कि अब 2 गेंदों में 2 छक्के आते हैं कि नहीं, 500 रुपए का इनाम जीतते कि नहीं। आउट हाय गाइस, अच्छी फील्डिंग क्या लग रहा है अभी, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ औपचारिकता रह गई है, बहुत मुश्किल दिख रहा है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं क्रिकेट में कि कुछ भी नामुमकिन है, मगर अब मुश्किल बहुत है इस लक्ष्य तक पहुंचना। और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, नहीं अच्छी फील्डिंग समीर,
पहले हमने ये टूर्नामेंट रखी है कि यूनिटी के बाद एक टूर्नामेंट होना, क्योंकि इन मुंबई के जो प्लेयर है उनको हमने देखा कि कच्छ के प्लेयर से थोड़े वो छुप गए, मुंबई के प्लेयर ने हमने दो चार प्लेयर ऐसे निकले है कि जो वाकई में काबिल तारीफ की गई कि अच्छी बैटिंग रही, अच्छी बॉलिंग की, से दो चार प्लेयर अपने से निकले इसमें से। देखिए मेरा मानना ये है कि जैसे यूनिटी लीग हमने सबके लिए ओपन रखी थी, वैसे ही वापस से बैलेंस करके सिर्फ मुंबई की टीम्स बनानी चाहिए, बट बैलेंस करके। इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है मैचेस में, और वो बैलेंस करके सिर्फ मुंबई की एक टूर्नामेंट करनी चाहिए। बॉलर नेम प्लीज। पुनीत। मुझे ऐसा लगता है कि एक मुंबई की टूर्नामेंट करनी चाहिए जिसमें भले हम ऑक्शन वगैरह ना करें। और ये दूसरा छक्का 501 से और करीब आते हुए भव्य, वो तो हमने सुना नहीं था कि वो गिच वाला हम भूल गए थे। और मैं एक कहूंगा कि यहाँ पे बाउंस, चलो 50 रन पे भव्य को 501 का इनाम घोषित किया है। और ये तीसरा छक्का, छक्का पवेलियन के अंदर जबरदस्त, बनाते हैं तो 500 रन तो बहुत पहुंच गए। हाँ 39 पे खेल रहे हैं, और एक छक्का लगाएंगे तो 501 कंफर्म। क्या बात है भव्य। देखिए मैं बता रहा था ना कि मुंबई के प्लेयर में भव्य भी उनका नाम है जो वाकई में और सुंदर है। ओ भव्य ने कोशिश काफी की लेकिन हवा लग के, और भव्य को देख के लगता नहीं है कि वो इतना दूर तक बॉल को मार सकते। नहीं समीर, एक देख लीजिए कि भव्य हो गया, विराज आज हमने देखा परफॉर्म नहीं किया, मनीष का लड़का एकलव्य, फिर हाँ मेरा लड़का तो आज गोवा नहीं है यहाँ पर, ऐसे आज पलक भी बहुत फॉर्म में था, फिर हमने फॉर्म वापस उसने वापस पा लिया है, तो भी आगे लग रहा है कि परफॉर्म करेगा, लेकिन क्या मुश्किल लगे 50। संजय का जबरदस्त रो। और रवि भाई एक कहिए कि आज आपने मेरा छक्का देखा कि नहीं देखा? अरे मुझे समझ में आया कि समीर ने छक्का मारा आज, मैं बोला अरे बाप रे आज छक्का समीर ने मार दिया, मतलब अब फिर वापस समीर में खून सवा बोलते ना 100 तोला और बढ़ गया होगा। ओ इसीलिए रवि भाई मैंने कहा था कि हम रिटायर नहीं होने वाले हैं, अगर हमको नितिन भाई को तुमको कोई खिलाएगा नहीं, हम एक और बार बार टीम डालेंगे और हम हमारा टीम का नाम रखे 50 के पार मोदी की सरकार। अमित भाई क्या बोल रहे हो? हाँ 50 के पार मोदी की सरकार। क्या बात है, स्कोर अच्छा है, 5 ओवर में 57 रन। जिग्नेश को पता नहीं क्या हो रहा है, गलती तो जिग्नेश के तरफ से 501 रुपया इनाम, और जिग्नेश को अपना कैप पटकना होगा, वो प्री कंडीशन है। हाँ पटकेगा तो ही उसको प्राइज मिलेगा, और ये भव्य का शॉट 1 रन जरूर मिलेगा। भव्य दूसरे रन के निकले हो रहे और ये रन आउट होने का जैकी अपना हाथ पांव घुटनों के पर छोड़ दिया, आज 50 रन बना के छोड़ेगा। यहाँ पर हमारे स्कोर बता रहे 37 पे खेल रहे, अच्छा सॉरी यहाँ जिग्नेश सॉरी 37 पे खेल रहे, पूरी संभावना लेकिन अच्छा कॉल बनाना है आपको 500 रुपए के लिए।
हमने फर्स्ट प्राइज तो रखा है 11,000 और 5,500, वो और बात है, लेकिन 11,000 के लिए आप सारे जो भी कैश प्राइस आपको मिलेगी दान में आ जाएगी, 50 बनाते हो तो। नितिन भाई ने कहा यहाँ पे कहा है कि भव्य का 50 होना जरूरी है। मोदी जी 15 लाख देने वाले थे, वो अब तक आए नहीं है हमारे पास। वो बराबर, हाँ बराबर। को 500 एकड़ आज मिलना ही है, जाके ने क्या छोड़ा है, लग गया मैं ऑर्गेनाइजर को कहना चाहूंगा, ऑर्गेनाइजर कमिटी को कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग 10x के अलावा कोई और बॉल ट्राई करेंगे, इसमें बहुत इंजरीज हो रही है बॉल में और अपने बॉल भी बहुत घूम रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे भी थोड़ा रवि भाई आप और मेरे जैसे बॉलर्स के लिए थोड़ा अलग तरीके का, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे हाथ में बॉल ही नहीं आया, मैं कैच आया वो भी छोड़ गया, मुझे पता ही नहीं वो बॉल कैसा था क्या था। और हम आशा करते हैं कि जैकी स्वस्थ हैं और उन्हें कोई ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं आई है, वो तो उसमें आ जाएगा ना एमवीपी, हाँ उसमें आ जाएगा एमवीपी। जैकी दादा हाथ में गेंद लगी और कुछ नहीं हुआ, भव्य 50 रन नहीं बनाएंगे ऐसा लग रहा है, अभी से थक गए समाप्त। 12 बॉल में 7 रन चाहिए। पानी पूरी का स्टॉल यहाँ लग गया है, जिसको भी पानी पूरी खाना है वो यहाँ पर पीछे जा सकते हैं। भाई चाय भूला, चाय कहाँ गया, चाय आया लगता है, अरे हम हमें चाय दिखाई दे रही है यहाँ पे से कि पानी है, वो चाय है, अरे क्या सुबह वाला नाम बताओ जी, एक मिनट रुक, हमारा स्कोरर को जरा कैचअप करने दे, जिया हो गया, क्या हो गया, कम ऑन बिजनेस चाय, अरे वो सुबह वाला चाय इन लोग घुमा के पी रहे हैं। और हम सागर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी लाइव कवरेज का उन्होंने हमें मजा दिया है, और यहाँ पे अनिल भाई जो पूरा बैकग्राउंड में कारोबार संभाले हुए है, सो अनिल भाई सागर भाई थैंक यू वेरी मच, और अनिल भाई ने हमारे विशाल के लिए काफी हेल्प किया और उनको टाइमली ट्रीटमेंट करा दी, तो अनिल भाई उसके लिए आपका खास शुक्रिया, और विघ्नेश भाई और नीलेश भाई थैंक यू, आप बहुत बढ़िया एम्पायरिंग कर रहे हैं, और आगे आके लगाना चाहते थे इसे जोर का चौका लेकिन कनेक्शन नहीं मिला, और सब सोच रहे हैं कि आज की डेट में मेरी बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी, पप्पा के साथ जीत कर रहे हैं अभी कि पप्पा मुझे बैटिंग खपे थी, और ये वाइट बॉल इस बीच
पंकज जी व्हाइट बॉल है और जिया जो काफी सालों के बाद एंट्री कर रहे हैं और ये छह रन ऐसा लग रहा है कैच हो सकता है और देखना पड़ेगा कि टच हो गया है कि नहीं हो गया है। हो देखो पैर देखो उधर अभी वो तो पीछे बैठे ना और जिग्नेश का 501 का बचता हुआ बिजनेस तीर्थान में यूज करेंगे उसे 501 रुपए को आपको थी आपकी तीर्थ यात्रा में काम आएगा जिग्नेश भाई 501 रुपया उर्विश नए बैट्समैन आ रहे हैं उर्विश डेब्यू फर्स्ट डेब्यू मैच सीधा फाइनल में वेल प्लेड भव्य आपने काफी कोशिश करी और अगली गेंद और ये चारों खाने चित और एक और नए डेब्यूटेंट ये समीर जिग्नेश की खासियत है जिग्नेश ऐसे बॉलर है कि क्रिस और आ रहे हैं क्रिश बॉलर है लग रहा है कि कार्तिक की दर्शन मोता बॉलिंग में आ रहे हैं बॉलिंग में है दर्शन मोता पंकज जी नोट करिएगा और आज की पूरी टूर्नामेंट की हाइलाइट्स थी संजय माकानी की 99 रन की इनिंग और ये आखिरी ओवर फाइनल की आखिरी ओवर और कितने चाहिए ₹63 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए और उसमें से ये बैट को कनेक्ट हुआ है लगता है इसके लिए वाइड नहीं दिया है एम्पायर ने और दूसरी गेंद लेकर आ रहे हैं जिया नहीं दर्शन उल्टी टोपी पहन के 30 गज के दायरे से दौड़ते हुए और ये आउट और ये जैकी ने कैच पकड़ लिया जैकी एक बार कैच पकड़ के दिखाइए इसमें कैसे होएगा रवि इसमें कैसे होएगा जो एमवीपी इसमें आएगा वही मैन ऑफ द सीरीज है ना प्रहलाद हाँ जो आएगा वही ज्यादा दिमाग अभी लगाने में बिकॉज वो क्या है ऐसे भी कॉम्प्लिकेट होता है और इसका लॉजिक किसकी समझ में आता नहीं है और ये अगली गेंद और काफी जोर से मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाब चार या पांच में 154 रन बने ये तो बेस्ट बॉलर ने बता रहा है क्या बता रहा है नहीं एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है मैन ऑफ द सीरीज पैसा ठीक है आप हम मोटी पीछे में हाँ बस वही हाँ खेल का दिखा रहा है पाव भाजी ना आए खाई सकता अने ही विकेट और एक अने आज नितिन भाई जी राज में मणि के बैटिंग में ली रही है आज नितिन भाई जी राज में मणि के बैटिंग में ली रही है बैटिंग कौन दिया हर्ष हाँ तू टी शर्ट बदल के चले जा नहीं लेकिन पहचान में आ जाएगा नाइट में करो 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 कपे नितिन भाई भव्या साइड पे के रख
अरे ऐसा मत करो, ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे नितिन भाई, ओ नितिन भाई, नितिन भाई, ओ नितिन भाई, ओ माचिरी। ये कौन है ये? नितिन भाई, ओ नितिन भाई, ओ नितिन भाई, माइक में बोलो, माइक बोलो। विशाल को बुलाओ, विशाल, विशाल। आपको मार्क में नहीं खेल रहा तो उसको क्यों भेजे? ग्यारह उसको भेजो ना, ये आपको क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसे, तुम अगर ऐसे रहे तो आपने कोई मतलब नहीं है। उनके नतोरा में तो खोला हला है, उनके जो रमदल उनकी हला है ना, कोई भले पा ले वो उसको ना हला है। हेरो ना वे, हेरो ना तो वे, आंजे में चेहरा में तो उनके हला है, हेरो ना वे। हाँ पर आईने में ना वो जो आया उनके हला है ना, ही जाता ठीक है। नियम से प्रमाण कोई वस्तु ही ना ले रही थी, जो की कोई वस्तु ना ले प्रिंसिपल करो है छे तो क्या आंजो छे है फाइनल खत्म और जीत गए राजगौर स्टार्स और आरएसएम का आरएसएम एसएम राजगौर स्टार मुंबई के दावेदार जैकी चैलेंजर्स की टीम जो हमने पैनल कहा था कि इनके सारे प्लेयर को हराना नामुमकिन। और अभी अभी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज एक आया है रवि भाई कि जैकी भाई ने गोडाउन खरीदा है क्योंकि अब उनकी जरा ट्रॉफी रखने की जगह बची नहीं है तो उन्होंने एक गोडाउन खरीदा है ट्रॉफी रखने के लिए। कैमरा ना, हाँ कितना है सुना।